कितना सुंदर है। शीत और बसंत, जितना सुंदर शीत और बसंत का नाम है उससे कहीं ज्यादा सुंदर वो दोनों देखने में है। अब मैं क्या बताऊं, जब से मैं इस महल में आई हूँ, जब से मैं इस महल में अपना पहला कदम रखी हूँ, यानी जब से मैं अपनी पहली नजर से शीत और बसंत को देखी हूँ, तब से मैं शीत और बसंत से प्यार करने लगी हूँ। मैं शीत और बसंत से प्यार करने लगी हूँ और जल्द से जल्द शीत और बसंत से ही शादी करना चाहती हूँ। सेकंड मैरिज। मैंने आप ही लोग बताइए कि अभी मेरी उम्र क्या है। 17-18 वर्ष। और जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसकी उम्र क्या है? 70-75। हे भगवान, जब मैं सोचती हूँ कहाँ मैं 17-18 वर्ष की और कहाँ वो बुढ़ा 70-75 वर्ष का, मुझे तो शर्म आती है। कितना अच्छा होता अगर वो राजा मुझसे शादी नहीं करके अपने बेटे शीत और बसंत से करा दिया होता। हाय राम, मैं क्या करूं, मुझे तो बुढ़ा मिल गया। अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं किसी राजा महाराजा की बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे, क्या उपाय करूं? हाँ, एक उपाय है, मैं रहूंगी इसी महल में लेकिन उस बुढ़े से कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगी जिसे मेरी शादी हुई है। मैं सोऊंगी, बैठूंगी, सारी बातें करूंगी शीत और बसंत के साथ। नाम होगा राजा का, काम होगा शीत और बसंत का। अब मेरा तो जी नहीं चाहता है कि मैं अपने नजरों से दूर करूं शीत और बसंत को, लेकिन क्या करूं, राजा का आदेश है, ऐसे ऊपर ऊपर भी तो पालन करना ही पड़ेगा। अब मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं अपने हाथों से शीत और बसंत को गरम गरम दूध पिलाऊं और गुरु पाठशाला भेज दूं पढ़ने के लिए। मैंने अपने हाथों से शीत और बसंत को गरम गरम दूध पिला दिया है। अब मैं उसे बुलाती हूँ और गुरु पाठशाला भेजती हूँ पढ़ने के लिए। अब मैं शीत और बसंत को बुलाती हूँ। बसंत, अब तुम दोनों भाई मेरे हाथों से गरम गरम दूध पी चुके हो, अब तुम दोनों जाओ गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए। क्यों नहीं भाई, आपकी आज्ञा चाहिए माँ, हम दोनों भाई पढ़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जा रहे हो पढ़ने के लिए, हाँ माँ, महल में मैं तुम दोनों के लिए क्या खाना बना के रखूंगी? बसंत से पूछो ना। बताओ बसंत। मेरे लिए मुर्गा बना के रखना। मुर्गा? छी छी, मैं मुर्गा नहीं खाती हूँ।
खाती नहीं है तो बना भी सकती नहीं हो। नहीं, अगर खाती नहीं हो तो बनाओगी भी नहीं। कोई सादा भोजन बताओ। अरे माँ, मैं भी तो वही खाता हूँ, खस्सी उसी के बीज बना देना। बिल्कुल वो नहीं चलेगा। साधारण भोजन बताओ। साधारण हलवा खाएगा? हलवा घंट खाएंगे। घंट घंट खाया है? घंट हाँ। बाबा जी जो खाते हैं हम ना सब चीज मिला के एक ही में बना देते हैं। ओ सब चीज मिला के? हाँ, दाल सब्जी चावल वगैरह वगैरह। खिचड़ी उसको घंट बोला जाता है। घंट बोला जाता है? हाँ। अच्छा माँ, वो हम नहीं खाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है वो। अच्छा, क्या खाओगे तब? हमको सादा खीर पूरी बना देना। ठीक है, ये चलेगा। साधु मत मग बेटा है ना। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ पढ़ने के लिए, मैं चलती हूँ तुम दोनों के लिए खाना बना के रखूंगी। ठीक है माँ। ठीक है माँ, चलती हूँ। हेलो, ए गोरैया दुगे हाँ लगी आऊंगे भैया। अपने मन में इतना अच्छा माई है कि हम दोनों भाई को पता नहीं चलता है कि मेरी माँ स्वर्गवास हो गई है कि मेरी माँ अभी तक है। हाँ भैया, लेकिन भैया क्या हुआ? लेकिन माँ के हाथ से गरम गरम दूध पी चुके हैं, अब गुरु पाठशाला जाने की तैयारी कीजिए। क्यों नहीं मेरे भाई, चलो यहाँ से गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए। ठीक है भैया। ठीक है मेरे भाई, चल चल। स्वर्गवास हो गए हैं उस दिन से हम दोनों भाई
एक दिन भी ज्ञान के नहीं खेल पाए भैया ज्ञान। इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ हम दोनों भाई ज्ञान खेल लेंगे। अरे मेरे भाई बसंत। हाँ भैया। ए तुम क्या कर रहा है, गेंद खेलने की बात कर रहा है? देख मेरे भाई, ना नैवेली मेरी माल में माँ आई है। अगर माँ हम दोनों भाई को आज गरम गरम दूध पिला के गुरु पाठशाला भेजा है, ये बात अगर माँ जानेंगे तो माँ बहुत गुस्सा होंगे। जितना हम दोनों भाई को मानता है उतना नहीं मानेंगे, इससे ऐसा क्यों नहीं? चलो हम दोनों भाई पढ़ाई करेंगे, जब पढ़ाई करके आएंगे उसके बाद गेंद खेलेंगे, क्या हुआ? चलो चल। नहीं भैया, भैया सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ भैया, 5 मिनट भी नहीं खेलेंगे? तुम चलो मैं पढ़ूंगा, हमारे साथ तुम भी पढ़ा। चलो भैया। नहीं भैया, भैया अगर आप हमसे गेंद नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? कॉपी किताब को मैं आज सारा चीज फाड़ दूंगा। ए मेरे भाई बस तू फाड़ने की बात कर रहा है। देख मेरे भाई, इस दुनिया में एक तुम्हारे सिवा और पिताजी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम गुस्सा जाएगा तो फिर मैं अकेले कैसे रहूंगा मेरे भाई? तो भैया अगर तुम गेंद नहीं खेलने के लिए चाहता है तो मैं सिर्फ 5 मिनट खेलूंगा, उसके बाद गेंद नहीं खेलूंगा, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है मेरे भाई, तुम जाओ गेंद ले आओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है जाओ।